Assalamualaikum and welcome back to the channel everyone. आज की वीडियो है गैलेक्सी जेड फ्लिप पर, जिसको शुरू करते हैं लेकिन इस इंट्रो के बाद. तो जैसा कि रूमर्स और लीक सजेस्ट कर रही थी कि सैमसंग मोटोरोला रेजर के मुकाबले में अपना एक फोल्डेबल फ़ोन मार्केट में रिलीज़ करने जा रहा है, और हमेशा की तरह ये रूमर्स और लीक्स सच्ची साबित हुई और जल्द ही गैलेक्सी जेड फ्लिप मार्केट में अवेलेबल होगा. और ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में इस फ़ोन के कंक्लूजन पर बात होगी. आसान अल्फाज में इस वीडियो के आखिर में इस फ़ोन का खुलासा बयान किया जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्पेसिफिकेशन के ओवर में सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की. तो यहाँ कलर ऑप्शंस तीन हैं, जिनमें दो रेगुलर मिरर ब्लैक और मिरर पर्पल, और तीसरा कलर मिरर गोल्ड है जो कि सेलेक्टिव मार्केट्स में रिलीज़ होगा. तो चूँकि ये फ़ोन फोल्डेबल है, फोल्डेबल फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है फ़ोन की हिंज, यानी वो हिस्सा जो फ़ोन का फोल्डिंग पॉइंट है, और स्क्रीन हो या फ़ोन के इंटरनल्स इसी फोल्डिंग पॉइंट को सबसे ज़्यादा नाजुक बनाते हैं. एंड आई मस्ट से कि सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप की हिंज इससे पहले वाले तमाम वेरिएंट से ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी है और ज़्यादा सिक्योर भी, क्योंकि इसको एक्सटर्नली हर साइड से कवर किया गया है और इंटरनल डस्ट की प्रोटेक्शन के लिए ब्रश टाइप के फाइबर्स लगाए गए हैं जो कि फ़ोन के फोल्ड होने पर डस्ट जैसे पार्टिकल्स को साफ़ कर देते हैं. और गैलेक्सी जेड फ्लिप गोरिल्ला ग्लास 6 से प्रोटेक्टेड है, जिसको अटेंशन सीकिंग के लिए ग्लॉसी फिनिश दी गई है जो कि ऑब्वियसली इस फ़ोन को फिंगरप्रिंट मैग्नेट बना देती है. और फ़ोन के कैमरा सेटअप के साथ एक छोटा सा 1.1 इंचेस का कवर डिस्प्ले भी है जो कि एक एमोलेड पैनल है, जिससे फ़ायदा नोटिफिकेशन के अलावा बैक कैमरा से इमेजेस उतार कर लिया जा सकता है. काफ़ी छोटा डिस्प्ले है लेकिन ना होने से बेहतर है. अब बात करते हैं फ़ोन के इंटरनल बिल्ड पर, जो कि फ़ोन को अनफोल्ड करके जाहिर होती है. और याद रहे कि यहाँ फोल्डिंग स्क्रीन पुराने वाले वेरिएंट्स की तरह प्लास्टिक की नहीं बल्कि ग्लास की लगाई गई है. अब ये बात तो सैमसंग ही बेहतर जानता है कि उन्होंने किस तरह ग्लास को फोल्डेबल स्क्रीन में कन्वर्ट किया, लेकिन प्लास्टिक की स्क्रीन से ग्लास की स्क्रीन का व्यूइंग एक्सपीरियंस ज़्यादा प्रीमियम है. फ़ोन को फोल्ड करने पर स्क्रीन के बेजल्स ही आपस में मैच करेंगे, ना कि स्क्रीन, ताकि स्क्रीन को प्रोटेक्ट रखा जा सके. और गैलेक्सी जेड फ्लिप के इनिशियल सेटअप में स्क्रीन की हिफाजत के लिए नोटिफाई भी किया जाता है कि ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा नाजुक है और यूज़ करते हुए सॉफ्ट टचेस का इस्तेमाल किया जाए, ना कि स्क्रीन पर हार्ड प्रेस का. इसके बाद ख्याल आता है कि इस फ़ोन को ओपन करते हुए थंब का स्क्रीन पर जो प्रेशर पड़ेगा उसके बाद स्क्रीन का क्या हाल होगा. खैर ये बात तो वक्त के बाद ही जाहिर होगी. तो यहाँ मिलती है 6.7 इंच की फुल एचडी डायनामिक एमोलेड स्क्रीन, जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 425 ppi की, और गैलेक्सी S20 सीरीज़ की तरह गैलेक्सी जेड फ्लिप की स्क्रीन भी HDR10+ से कम्प्लाइंट है. एंड्रॉयड वर्जन जहाँ मिलता है Android 10, और यूजर इंटरफेस है One UI 2. ब्रेन पावर की बात करें तो प्रोसेसर इस फोन में मिलता है Snapdragon 855+ और GPU है Adreno 640. रैम मेमोरी में यहाँ एक ही वेरियंट है 8/256 GB वाला, और स्टोरेज यहाँ मिलती है UFS 3.0 जो कि एक्सपेंडेबल नहीं है. हेडफोन जैक अनफॉर्चुनेटली यहाँ मौजूद नहीं है, और ना ही ये फ़ोन IP68 से रेटेड है. दैट मीन्स कि पानी से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी. सिक्योरिटी सेंसर्स की बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर साइड माउंटेड है जो कि पावर बटन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और एज यूजुअल ये काफ़ी फास्ट भी है और एक्सेसिबल भी. बैटरी पावर की बात करें तो बैटरी हमें यहाँ मिलती है 3300 mAh की, जिसको फ़ोन के दोनों फोल्डिंग साइड्स में डिवाइड किया गया है. और फास्ट चार्जिंग एबिलिटी यहाँ मिलती है 15 W तक की. दूसरा, गैलेक्सी जेड फ्लिप में वायरलेस चार्जिंग एबिलिटी भी मौजूद है. प्राइस इस फ़ोन की पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है 2,25,000 रुपये तक की, और रिलीज़ एक्सपेक्टेड है मार्च के मिड तक. आखिर में बात करते हैं फ़ोन के कैमरा सेटअप पर, तो पंच होल में छुपा फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ मिलता है 10 MP का विद एन अपर्चर ऑफ F2.4, और वीडियो बनाई जा सकती है 4K तक की विद 30 FPS, सेम गैलेक्सी S20 की तरह. बैक कैमरास दो हैं, जिनमें मेन सेंसर है 12 MP का विद एन अपर्चर ऑफ F1.8. ये लेंस ड्यूल पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऑप्टिकली स्टेबलाइज भी है. दूसरा कैमरा भी 12 MP का है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस विद एन अपर्चर ऑफ F2.2. बैक कैमरा से वीडियो बनाई जा सकती है 4K तक की up to 60 FPS, और स्लो मोशन की एबिलिटी यहाँ मौजूद है 960 FPS, लेकिन सिर्फ 720p की रेजोल्यूशन तक. तो स्पेसिफिकेशन का ओवरव्यू तो हुआ ख़त्म, और कंक्लूजन में दो चीज़ों पर बात करना चाहूँगा. पहली ये कि सैमसंग ने इस फ़ोन के फोल्डेबल होने का पूरा फ़ायदा यूज़र्स को दिया है, यानी कि यूज़र्स फ़ोन को हाफ फोल्ड करके मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यूट्यूब देखते हुए
ऊपर वाले हिस्से में वीडियो देख सकते हैं और नीचे वाले हिस्से में स्क्रोलिंग कर सकते हैं या इवन दूसरी एप्लीकेशन चला के उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा जो मुझे पर्सनली पसंद है वो है कैमरा सेटअप में। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्टेंट क्रिएटर होते हुए मोबाइल से टाइम लैप्स वीडियो शूट करने में मुझे बहुत दिक्कत पेश आती है, क्योंकि ना तो हर जगह आप ट्राइपॉड लेकर घूम सकते हैं और ना ही हाथ से अच्छी टाइम लैप्स वीडियो शूट की जा सकती है। सो इस फ़ोन का एक बेनिफिट तो ये हुआ कि अगर टाइम लैप्स वीडियो शूट करनी है तो कहीं भी बैठकर इस फ़ोन को हाफ फोल्ड करके फुल स्टेबलाइज टाइम लैप्स वीडियो शूट की जा सकती है, जिसको सैमसंग के फोन्स में हाइपर लैप्स के नाम से जाना जाता है। और इस फ़ोन के फोल्डेबल होने का दूसरा फ़ायदा खवातीन को है, क्योंकि वो इस फ़ोन को हाफ फोल्ड करके एज ए मेकअप मिरर यूज़ कर सकती हैं। हाँ जी, और दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है गैलेक्सी जेड फ्लिप का मोटो रेजर से कंपैरिजन, क्योंकि फ़िलहाल ये दोनों फ़ोन ही इस फॉर्म फैक्टर में आते हैं। तो गैलेक्सी जेड फ्लिप मोटो रेजर से हर लिहाज से बेहतर है, क्योंकि अगर रेजर की बिल्ड क्वालिटी को देखें तो ना तो उस फ़ोन की हिंजेस इतनी प्रोटेक्टेड हैं और ना ही स्क्रीन। उल्टा रेजर को फोल्ड करें तो स्क्रीन के नीचे से गैप क्लियरली देखा जा सकता है, विच मीन्स कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ का एनवायरनमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डस्टी है, मोटो रेजर जैसा फ़ोन ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा अपनी नाजुक हिंजेस की वजह से। और फोल्डेबल स्क्रीन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। तो इसके अलावा कैमराज हो या बिल्ड क्वालिटी, स्क्रीन हो या इवन बैटरी, हर लिहाज से गैलेक्सी जेड फ्लिप मोटो रेजर से बेहतर है। उल्टा मोटोरोला रेजर गैलेक्सी जेड फ्लिप से महंगा भी है। तो गैलेक्सी जी फ्लिप मोबाइल मार्केट में एक नए दौर का आगाज़ है और डेफिनेटली आने वाले अरसे में फोल्डेबल फ़ोन्स दूसरी शेप में भी मार्केट में रिलीज़ होंगे। फॉर एग्जांपल, एक फोल्डेबल फ़ोन जिसको आप फोल्ड करके घड़ी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि इन फोल्डेबल डिवाइसेस के स्क्रीन प्रोटेक्टर्स किस तरह से डिज़ाइन होते हैं। जैसे भी हुए, महंगे ज़रूर होंगे। यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होती है। आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं गायब हो रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।